गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर 4 व्हाई डू वी फॉल। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर द गुड हेल्थ। कौन सी दो कंडीशंस है जो अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है? टू कंडीशन, एन इंडिविजुअल मस्ट हैव बेटर हेल्थ, एक इंडिविजुअल की अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, मोर प्रोफेशनल टू डील विद हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, अपने डील करना आना चाहिए, ऑल बेसिक नेसेसरी कंडीशंस टू प्रिवेंट डिजीज, नेसेसरी कंडीशन मस्ट बी प्रेजेंट, प्रॉपर गार्बेज कलेक्शन होनी चाहिए, कूड़ा नहीं होना चाहिए, डिस्पोजल होना चाहिए, क्लियरिंग ऑफ ड्रेन्स प्लेन्स क्लियर होना चाहिए, सप्लाई ऑफ द हेल्दी ड्रिंकिंग। डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है, इफ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम्स वर प्रेजेंट, मीन्स एक ही सिम्टम प्रेजेंट है, क्या तुम डॉक्टर के पास जाओगे? अगर जाओगे तो क्यों जाओगे, अगर नहीं जाओगे तो क्यों नहीं? देखो स्टूडेंट, आंसर क्या आ जाएगा इसका, सिम्टम्स सच एज हेडेक, स्टमक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर एक्सेट्रा मेक अस फील दैट वी आर सिक एंड मस्ट विजिट अ डॉक्टर। मीन्स वो बोलते हैं सिम्टम्स लाइक हेडेक हो, स्टमक पेन हो, नोजिया, वॉमिटिंग हो, तो हम कहते हैं हम बीमार हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दीज सिम्टम्स बेसिकली इंडिकेट दैट देयर माइट बी अ डिजीज, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द काइंड ऑफ डिजीज। ये हमें बताते हैं कि हमें डिजीज है, बट हमें काइंड ऑफ डिजीज नहीं बता देते। देयरफॉर इट इज बिकम नेसेसरी टू विजिट अ डॉक्टर सो दैट द डिजीज कैन बी आइडेंटिफाइड एंड कैन बी ट्रीटेड विद द प्रॉपर मेडिकेशन, और वो कैसे द प्रॉपर मेडिकेशन। However, if only one of the symptom is present, we must do not visit a doctor. अगर एक ही सिम्टम है, डॉक्टर नहीं जाना चाहिए। आगे, because such symptoms do not have much effect on our general health पर कोई effect नहीं डालते। Person experience कर रहा है किस type के symptom, he needs to visit for a doctor treatment. Okay. Clear हो गया स्टूडेंट? आगे क्या है हमारे पास? In which of the following do you think that long term effects your health are likely to be most unpleasant? तुम्हारे किस पे? If you get jaundice हो जाए, if you get lice हो जाए, if you get इसमें होगा jaundice is a disease that causes long term effects. Jaundice के long term effect पड़ेगा health पे, chronic disease है, long period time के लिए, does not spread rapidly, फैलती नहीं है, और ये develop करती है slowly over a period of a Again, why are we normally advised to take bland and nourishing food when we are sick? Answer: We are normally advised to consume bland. Means हम normally advised करते हैं bland के लिए, nourishing क्या करते हैं food के लिए when we are sick. We can get the nutrients. हमें क्या मिलते हैं nutrients energetically to fight off the foreign disease causing agent. What are different means by which infectious diseases are spread? Diseases can be spread through the various means such as the air, water, sexual contact, blood vector. Certain disease causing microorganisms are expelled in the air में फैलते हैं by coughing, sneezing, talking. These microorganisms can travel through the dust particle. ये कैसे through the dust particle से water droplets in air to reach other people, tuberculosis, pneumonia. Sometimes peaceful microorganisms are get mixed. मिक्स हो जाते हैं विद ड्रिंकिंग वाटर, स्प्रेड वाटर बॉर्न डिजीज, कॉलरा फॉर एग्जांपल इज वाटर बॉर्न डिजीज, सेक्सुअल एक्ट बिटवीन द टू पीपल कैन लीड टू ट्रांसफर ऑफ द डिजीज, जो सेक्सुअल इंटर
इंटरकोर्स से भी क्या ट्रांसफर डिजीज होते हैं, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स. सर्टेन डिजीज सच एज एड्स कैन स्प्रेड बाय ब्लड टू ब्लड कॉन्टेक्ट हो जाएगा ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सर्टेन डिजीज स्प्रेड बाय एनिमल्स कॉल्ड जो सर्टेन डिजीज कहते हैं इसे कहते हैं उन्हें हम वेक्टर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज क्या स्प्रेड करते हैं, मलेरिया. What precautions can you take in your school to reduce the incidence of infectious diseases? Precaution to reduce क्या जाएगा? Stay away from the diseased person से दूर रहें. Cover your mouth और nose while coughing or sneezing. Means अपने mouth और nose को ढके जब cough करते हैं, sneeze करते हैं, to prevent the spread of disease. Drink safe water पी. Keep the environment clean to prevent mosquito from the breeding. Breeding means जो keep the environment क्या करें? Clean the cage to prevent mosquito. What is immunization? Immunization defined as the protection of the body from the communicable disease by administration of some agent that mimics the microbe. This suspension of a pill microbe that mimics the disease causing microbe is known as the vaccine. Immunization आपको पता है means protection of the body. Body को protect करना. ठीक है, किससे protect करना? From the communicable diseases से. वो भी कैसे बचना? By administration of the some agent. Means agent का लेना जो microbes की जरूरत को क्या करते कम कर देते. This suspension of film microbe that mimics a disease cause is known as the vaccine. What are the immunization programs available at the nearest health center in your locality? Which of these diseases are major health problems in your area? Both the major health problems हैं. The immunization program has available at the nearest health center are DPT, diphtheria, pertussis, and tetanus. पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, एमएमआर, मम्स, रूबेला, जॉन्डिस. ऑफ ऑल डिजीज जॉन्डिस एंड टाइफाइड आर द मेजर हेल्थ. मींस आई डिजीज में जॉन्डिस और टाइफाइड क्या है? मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स है. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया? आज हम इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स. ये आंसर्स तो मैंने सॉल्व किए हुए. अगर आपकी बुक में कुछ और सॉल्यूशंस है, कुछ डिफरेंट वे में है,